वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सही होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की, आपके चाहिए ड्रामा की, मास्टर डेविल डू नॉट किस मी एपिसोड 8 की। आई होप कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट भी कर दीजिएगा। मेरी वीडियोस को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, इसलिए क्योंकि आपको मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। सो विदाउट फर्दर डीलिंग लेट्स बिगिन। एपिसोड 8 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से एपिसोड 7 की एंडिंग हुई थी। तो चूजिया बोलती है, हां क्यूलू तुम यहां क्या कर रहे हो? और लू वहां आके चूजिया को लेकर जाने लगता है। तो सैन चूजिया को हाथ पकड़ लेता है और लू को बोलता है, कुछ लोगों को अपने काम से काम रखना चाहिए। तो लू बोलता है, मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूं। चूजिया का पीछा करके कोई फायदा नहीं होगा और तुम्हारा टाइम वेस्ट ही होगा। तो लू चूजिया को वहां से लेकर चला जाता है। फिर हम लोग अगेन चूजिया और लू को देखते हैं जहां चूजिया बोलती है, क्यूलू मेरे और सैन के बीच में सच में ऐसा कुछ नहीं है, मुझे गलत मत समझना। तो लू बोलता है, मुझे पता है तुम उससे प्यार नहीं करते, पर तुम्हें पता है ली सिन डोंग क्या है, उसे तुमसे क्यों मतलब है। मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, बट मैं जब सैन को देखता हूँ कि वो तुम्हारे पीछा कर रहा है तो मैं उसे अवॉइड नहीं कर पाता हूँ। तो चूजिया बोलती है, हां क्यूलू क्या तुम्हें सच में लगता है यही है वो रीजन? ओके मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, सैन और मैं कभी फेलो फ्रेंड से ऊपर नहीं होंगे। तो लू बोलता है, ये मैटर तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं है, ये उसके ऊपर डिपेंड है। तो चूजिया बोलती है, मैंने तुमसे ऑलरेडी प्रॉमिस कर दिया है और तुम अभी भी मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। तो लू बोलता है, वो एक आदमी है, अगर उसने तुम्हारे साथ कुछ कर दिया तो क्या तुम एबल रहोगी उससे डील करने में? और तुम्हें क्या लगता है ये मेरा सजेशन है और ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है? तो चूजिया बोलती है, ये सब तुम्हारे ऊपर ही है, तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। तो लू बोलता है, तो क्या हुआ तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करती हो? ऑलराइट अब मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करूंगा। और ये बोल के लू वहां से चला जाता है। और फिर हम लोग सैन को देखते हैं जहां वो सिलाई बुनाई कर रहा होता है। तो सुई बयान बोलता है, बॉस मेरे पास एक दूसरा आइडिया भी है। और वो अपना अजीब सा आइडिया देता है। तो जियांग यान बोलता है, ओ प्लीज तुम हमेशा अपना बकवास आइडिया को ग्रेट बोलते रहते हो और वो बिल्कुल भी काम नहीं करता। लेकिन फिर F4 वो आइडिया में काम करने के लिए मान जाते हैं। फिर हम लोग चूजिया को देखते हैं, वहाँ वो पेंटिंग कर रही होती है और बार बार स्टूपिड इडियट बोल रही होती है। तो मिंग यान बोलती है, चूजिया तुम क्या कर रही हो? कितनी स्ट्रेंज बात है, क्यूलू तो रोज यहाँ आता था, आज क्या हुआ? क्या तुम लोग दोनों ने फाइट किया है? चूजिया बोलती है, जलता है हमेशा जलता रहता है, वो हेल्पलेस है। तो मैंग यू आन बोलती है, बट मुझे लगता है जलने वाले इंसान ज्यादा ही क्यूट लगते हैं। चूजिया बोलती है, क्यूट ये सब उसके पॉजेसिवनेस का फॉल्ट है, वो मुझे हर टाइम कंट्रोल करना चाहता है। तो मिंग यान बोलती है, बट ये सिर्फ वो इसलिए करता है क्योंकि तुम्हारी बहुत केयर करता है, ऑल्सो जब कोई जेलस होता है तो वो अपसेट भी फील करता है। तो चूजिया बोलती है, मिंग यान मैं इरिटेटेड फील कर रही हूँ, अभी मैं खुद से वॉक पे जाना चाहती हूँ। चूजिया डोम से चली जाती है और चूजिया के पास शैन आता है और बोलता है, तुम आधी रात में यहाँ क्या कर रही हो? सैन बोलता है, क्या तुमने लॉकर इंसिडेंस के बारे में सुना जो स्विमिंग पूल में हुआ था? एक ड्रग और स्ट्रॉमी रात में एक लड़की जाती है अपने कपड़े चेंज करने स्विमिंग पूल के लॉकर में। सडनली उसने एक रेड डॉट को नोटिस किया जो एक सीसीटीवी कैमरा था जो एक प्राइवेट इंसान ने लगाया था। क्या तुम क्यूरियस नहीं हो जाने के लिए वो क्लूब्रिट कौन है? यहाँ पे सिर्फ एक सच है। तो चूजिया हंसते हुए बोलती है, सैन तुम क्रेजी हो। तो सैन बोलता है, मैं सिर्फ ये इंश्योर करना चाहता हूँ कि तुम सेफ हो ना। और फिर हम लोग लू को देखते हैं जो अपनी एंगेजमेंट रिंग देख रहा होता है और वो गुस्से में आके वो रिंग खोल देता है। और फिर हम लोग मिसेज हान और को देखते हैं जहाँ मिसेज हान लू को कॉल करके बोलती है, हेलो क्यूलू गैस करो अभी मैं कहाँ हूँ? तो लू बोलता है, क्या आप यहाँ आ गई हो? क्यों आई? तो मिसेज हान बोलती है, क्लेवर कोई विंडर नहीं कर सकता कि तुम मेरे बेटे हो। तो लू बोलता है, आप यहाँ अचानक मूव क्यों हो गई? तो मिसेज हान बोलती है, ऑफ कोर्स इसलिए क्योंकि तुम मेरे छोटी चूजिया को बुली करते हो और आज मैं चाहती हूँ तुम चूजिया को वापस घर में रात को लेकर आओ। और फिर हम लोग कॉलेज का सीन देखते हैं जहाँ बहुत सारे बॉडीगार्ड चूजिया को वहाँ से लेकर चले जाते हैं और मिंग वान देखती ही रह जाती है। और फिर हम लोग दो लड़के को देखते हैं जो लू और सैन को लेकर बोल रहे होते हैं और लू की घर की पार्टी को देख बोल रहे होते हैं। फेफे बोलती है, कौन बात कर रहा है हमारे पीछे, हमारे मास्टर क्यूलू के ऊपर? तो ज़ियारू बोलती है, हमारे सैन दे कंपस का किंग हान क्यूलू। तो वो लोग बोलते हैं, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे वो तुम्हारे बहुत क्लोज है। तो फेफे उन लोगों को इन्विटेशन कार्ड देती है पार्टी की जो लू ने उन्हें दिया होता है। तो फिर हम लोग F4 को देखते हैं जहाँ सुई बयान बोलता है, मुझे पता है हान क्यूलू कोई सिंपल फैमिली से नहीं है। तो ज़ियांग यान बोलता है, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि वो सुपर रिच निकलेगा। तो सुई बयान बोलता है, मैंने सुना वो बहुत लोग अब लू के पीछे पड़े हुए हैं, ये सब यूजलेस है। और सैन इस बात से काफी गुस्साता है। और फिर हम लोग चूजिया को देखते हैं जो फाइनली अपने घर आती है। तो मिसेस हान बोलती है, चूजिया
या मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया। चूजा बोलती है, सिस्टर यान मैंने भी आपको बहुत ही ज्यादा मिस किया। मिसेस हान बोलती है, देखो तो सही तुमको, तुम कैसी हो गई हो, मुझे बताओ क्या तुम्हें लू ने बुली किया। तो चूजा बोलती है, सिस्टर यान क्या हुआ जो आप यहाँ सडनली आ गई। तो मिसेस हान बोलती है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मेरी बात सुनो, आज मैंने आंटी को बोला है वो बहुत डिलीशियस खाना बनाएगी तुम्हारे लिए। ओ हाँ, मैंने तो आज रात एक पार्टी अरेंज की है, मैंने तुम्हारे लिए सारे फेलो फ्रेंड को इनवाइट किया है, तुम और हान किल्लू आज रात मस्ती करना। देखो क्या हमारा न्यू घर सुंदर नहीं है। और फिर हम लोग मिंग युआन को देखते हैं जो पार्टी में जा रही होती है, और उधर से एक कार आती है, बाहर कोई निकल के बोलता है, क्या तुम हान की फैमिली के घर जा रही हो। तो युआन बोलती है हाँ। तो कोई बोलता है, ओह ये तो काफी कूल है, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। तो मिंग युआन बोलती है, मुझे पसंद नहीं, कार से ड्राइविंग करके ये काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, हमें पैदल चलने चाहिए, हमारी कुछ एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो कोई ये बोलता है, तुम बहुत प्रिटी हो। और फिर वो दोनों चले जाते हैं, और फिर हम लोग फैंगसा और नांगों को देखते हैं जहाँ वो दोनों मन ही मन एक दूसरे की बुराई कर रहे होते हैं। तो नांगों बोलती है, तुमने ऐसा ड्रेसअप क्यों किया है, तुम एम्बेरस फील नहीं हो रहे हो ऐसे हान फैमिली में जाने में। और फिर फैंगसा अंदर जाने लगता है, तो बॉडीगार्ड उसे इन्विटेशन कार्ड मांगते हैं, तो वो बोलता है, मेरे पास तो नहीं है लेकिन मैं लू की एक्स का फ्रेंड हूँ। तो नांगों इंसल्ट करने लगती है, और वहाँ चूजे आके नांगों को सुना फैंगसा को अंदर लेकर चली जाती है। और अंदर हम लोग बेक्विजी को देखते हैं जो बोलती है, ओह तो ये हान क्यू लू का घर है, ओह तो ये मेरे हस्बैंड की फैमिली है। तो फिर हम लोग F4 को देखते हैं जहाँ उनके पास कोई आता है, तो जियांग एन बोलता है, किसी ने वंडर नहीं किया था कि तुम हमारे साथ नहीं आओगे, मुझे दिख रहा है कि एक तुम एक फुल पार्टनर के साथ आए हो। तो कोई ये बोलता है, तुम ज्यादा सोच रहे हो। तो सैन बोलता है, चलो ये इनफ है, अब हम लोग एक क्रेजी पार्टी स्टार्ट करते हैं। और फिर हम लोग सारे लोग को देखते हैं, सब अपना फोन यूज कर रहे होते हैं। तो बेक्विजी बोलती है, कैसा रहेगा हम लोग एक गेम खेले, कैसा रहेगा अगर हम लोग ट्रूथ और डेयर खेले। और सब रेडी हो जाते हैं, फिर गेम स्टार्ट होता है, और वो जाके रुकता है सैन पे, और वो ट्रूथ चूज करता है। तो बेक्विजी बोलती है, कितनी लड़कियों को तुमने किस किया है। तो सैन बोलता है, मैंने अभी तक मेरा फर्स्ट किस भी नहीं किया है। और सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तो सैन बोलता है, मैंने ये इसके लिए सेव करके रखा है। और उसका इशारा चूजा की तरफ होता है, और फिर वापस गेम स्टार्ट होती है, और जाके मिंग युआन पे रुकती है। तो बेक्विजी बोलती है, हम लोगों ने ऑलरेडी ट्रूथ सुन लिया है, सो तुम डेयर चूज करो। और बेक्विजी उसे ये डेयर देती है कि जो तुम्हारे अपोजिट का लड़का है, जिसके तुम क्लोज हो, उसको जाके तुम हक करो। और उसके अपोजिट साइड लू होता है, मिंग युआन ये करना नहीं चाहती थी, पर नांगोंग उसे प्रेशराइज करने लगती है, तो लू ही उसे आकर हक कर लेता। और हमारी चूजा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, सो वो गेम छोड़ के वहां से चली जाती है। फिर हम लोग वहां पे वही लड़की को देखते हैं जो उस पार्टी में पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है, और यहाँ पे उसका नाम क्विंग क्विंग है। और हाँ गाइस, मैं बता दूं कि ये क्विंग क्विंग लड़की नहीं, ये लड़का है। सैन बोलता है, क्या ये क्विंग क्विंग ये हर जगह कैसे रहता है। फिर हम लोग चूजा को बैठे हुए देखते हैं, जिसके पास लू आता है और बोलता है, चूजिया तुम अभी तक अपने बेड में नहीं गई हो। तो चूजा बोलती है, तुम तो वहाँ बहुत मस्ती कर रहे थे ना, तो तुम यहाँ क्यों आए हो। तो लू बोलता है, क्या तुम गुस्से में हो, मुझसे इंगेज हो, तो तुम गुस्सा क्यों हो जाती हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, तुम्हारी बेस्टी आउट हो जाती। तो चूजा बोलती है, मैं थोड़ी सी थकी हुई हूँ, मैं शावर लेकर बेड में चली जाऊंगी। और ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। तो लू बोलता है, ये सच में गुस्सा है। फिर हम लोग चूजा को देखते हैं जो नहा रही होती है, और वो अपना टॉवल लेना भूल गई होती है, सो वो आंटी आंटी करके चिल्ला रही होती है। और लू आके उसे टॉवल देता है और बोलता है, पार्टी खत्म हो गई है, सारे गेस्ट चले गए हैं, तुम्हारी मेमोरी काफी अच्छी है। और चूजिया बाथरूम से निकल के बोलती है, अब तुम जा सकते हो। और चूजिया वहां से जा रही होती है कि वो नीचे गिरने वाली होती है कि लू उसे संभाल लेता है। और चूजिया बोलती है, तुम क्या कर रहे हो, मैंने कुछ नहीं पहना है। तो लू बोलता है, तुम क्या सोचती हो कि कोई तुम्हें इस पिंक टॉवल में देखना चाहता है, और आपको यहाँ पे इनका काफी क्यूट सा सीन देखने को मिल जाएगा। और फिर सैन चूजिया को कॉल करता है और बोलता है, चूजिया तुम मुझे पसंद नहीं करती हो क्योंकि लू मुझसे ज्यादा अमीर है। तो चूजिया बोलती है, क्या तुमने पी रखी है। और ये बोल के वो कॉल कट कर देती है। और उसे लू को हक करने वाला मोमेंट याद आता है और उसे बुरा फील हो रहा होता है। और फिर हम लोग सैन को देखते हैं जो बोलता है, चूजिया तुम मुझे क्यों पसंद नहीं करती हो, तुम मुझे क्यों पसंद नहीं करती हो चूजिया। तो फैंगसा बोलता है, पीना बंद करो वरना तुम बेहोश हो जाओगे, मैं चूजिया को बचपन का फ्रेंड हूँ, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। तो सैन बोलता है, तुम्हें क्या लगता है चूजिया मुझे पसंद नहीं करती है क्योंकि हान किलो मुझसे ज्यादा अमीर है। तो फैंगसा बोलता है, क्या तुम उसे बिल्कुल नहीं जानते हो, उसकी मॉम की डेथ एक कार क्रैश में हो गई थी, और उसकी मॉम मरने से पहले चूजिया को सिस्टर युआन से मिलाकर चली गई थी, सो इसी तरह वो हान फैमिली में आ गई थी, पर कभी भी उसने अपने रियल लाइफ को नहीं चेंज किया। और फिर हम लोग मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ टीचर उन्हें पढ़ा रहे होते हैं। इधर सैन चूजिया को बोलता है, मुझे पता है कल्प्रिट कौन है। तो चूजिया बोलती है, कौन है वो पर्वर्ट। सैन बोलता है, हाँ क्या तुम्हें सैंगडे के बॉस
में भरोसा नहीं है, मुझे लगता है वो पॉवेट क्विंग क्विंग है। शुजा बोलती है कौन? वो जूडो क्लब वाला क्विंग क्विंग। और सैन उसे बताने लग कि क्यों उसे लगता है वो कल्प्रिट है। तो शुजा बोलती है तुम जो बोल रहे हो वो दिखने में थोड़ा फैमिलियर लग रहा है, मुझे फील हो रहा है मैंने उसे कहीं देखा है। तो सैन बोलता है मुझे उसे पकड़ने में तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। तो शुजा बोलती है किस टाइप की हेल्प? और सैन शुजा को अपनी प्लान बताने लगता है। लू ने बाहर से देखने लगता है, फिर हम लोग शुजा और सैन को फीमेल लॉकर के पास देखते हैं, जहाँ शुजा बोलती है क्या ये सच में काम करेगा? तो सैन बोलता है ऑफ कोर्स मैं उस पर्वेट को पकड़ लूंगा। तो शुजा बोलती है केयरफुल रहना, मैं यहाँ पे अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर रही हूँ। तो सैन बोलता है घबराओ मत, मैं तुम्हारी सैक्रिफाइस को वेस्ट नहीं होने दूंगा। और फिर शुजा फीमेल लॉकर के अंदर चली जाती है। सैन बोलता है शुजा मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, अगर कुछ होगा तो मैं तुम्हें तुरंत ही उससे पकड़ लूंगा। और शुजा अंदर चलती है और सैन आके उस पर्वेट आदमी को मारने लगता है। उन दोनों में काफी सारी फाइट होती है और वो पर्वेट बाहर चला जाता है और लू से ढूंढने लगता है। और उन दोनों की फाइट के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।